The Life of Code from Naruto. Code आखिरी एक्टिव विनर है कारा का, इशिकी ओसुसुकी के लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए। उसने ओसुसुकी क्लैन के विल को इनहेरिट किया है एक सेलेस्टियल बीइंग बनने का। तो स्वागत है आपका दियामागी हिंदी में, मैं हूं सोरा संजू और आज हम बात करेंगे कोड के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। दियामागी की रीच इस चैनल के अलावा भी है, तो अगर आप हमारे फैन हैं तो हमारे दूसरे चैनल्स को भी सपोर्ट जरूर करें और आप हमें दूसरे प्लेटफॉर्म्स में भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। बैकग्राउंड, जब कवाकी को कारा लाया गया था, कोड भी उन 15 कैंडिडेट्स में से एक था, जिगेन और अमाडो के एक्सपेरिमेंट का हिस्सा इशिकी के कार्मा के वेसल के लिए, जिसमें सिर्फ कवाकी ही सर्वाइव करता है। दूसरी तरफ कोड अनसक्सेसफुल डिसीज कैंडिडेट्स की तरह नहीं होता, वो किसी तरह से सर्वाइव कर जाता है और उसका ब्रांडेड मार्क व्हाइट कार्मा बन जाता है। इस रिचुअल के कुछ वक्त बाद कोड को कवाकी से जलन होने लगती है, क्योंकि वो इशिकी का परफेक्ट वेसल था और वो ओपनली एडमिट भी करता था कि अगर वो वेसल ना होता तो वो उसे अपने हाथों से मार देता। कोड की बॉडी की कॉम्बैट एबिलिटीज जिगेन के एबिलिटीज से ज्यादा बढ़ चुकी थी और अगर कोई भी जिगेन से ज्यादा स्ट्रांग होता है तो उसे मार दिया जाता है जिगेन के लीडर के पोजीशन को बनाए रखने के लिए। पर कोड के लॉयलिटी की वजह से अमाडो उस पर लिमिटर लगा देता है जो सिर्फ वही डीएक्टिवेट कर सकता था। न्यू एरा, चुनिन एग्जाम्स के कुछ समय बाद कोड नारुतो उज़ुमाकी पर इन्वेस्टिगेशन करता है कि मोमोशिकी ने मरने से पहले उसे अपने कार्मा से मार्क किया था या नहीं, जिसका उसे कोई एविडेंस नहीं मिलता। कारा एक्चुएशन आर्क, एनीमे में कोड मौजूद होता है जब जिगेन इनर्स के लिए मीटिंग रखता है सभी को रेन विलेज के उनके फैसिलिटी के डिस्ट्रक्शन को इन्फॉर्म करने के लिए। आओ आर्क, कोड मीटिंग अटेंड करता है जिसमें मिसिंग वेसल के बारे में बात होती है। जिगेन गेंजुत्सु को डिस्पेल करने से पहले सभी से कहता है कि उन्हें हर कीमत पर वेसल को रिकवर करना है। अमाडो सभी इनर्स को उनकी बॉडीज चेक करने के लिए बुलाता है कुछ सस्पिशियस ढूंढने के लिए मेंटेनेंस का रीजन देकर। कोड को तब विक्टर के डेथ के बारे में पता चलता है। कोड शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि शायद कारा के इनर्स में से कोई वेसल के पीछे है, क्योंकि वो लोग अब फेस 3 में है। कोड को बोरो पर शक होने लगता है क्योंकि विक्टर के एग्जीक्यूशन के बारे में उसे पहले से पता था। बाद में कोड जिगेन और अमाडो की कन्वर्सेशन को छुपकर सुनता है जब अमाडो बताता है कि उसने कुछ भी अनयूजुअल डिटेक्ट नहीं किया। कोड जिगेन के पीछे जाकर अटैक करता है जो वो आसानी से रिपल कर देता है। कोड रिक्वेस्ट करता है कि वो ट्रेटर को ढूंढना चाहता है। जिगेन उसे इग्नोर करते हुए उसे असाइन मिशन के बारे में कहता है। डेल्टा कोड को टॉन्ट करती है कि कोजी काशिन जिगेन का खास है और कोड जिगेन को इम्प्रेस करना चाहता है। आखिर में कोड खुद ही ट्रेटर को ढूंढने का डिसाइड करता है और अपने इंटेरोगेशन की शुरुआत वो डेल्टा से करता है क्योंकि वो नंबर 1 थी। पर डेल्टा उसे काउंटर करते हुए जवाब देती है कि वेसल के गुम होने पर कोड सबसे ज्यादा खुश है। कोड गुस्सा हो जाता है और अटैक करने बढ़ता है, पर अमाडो आकर उसे रोक लेता है और उसे उनके सिस्टम चेक्स के बारे में बताता है। अमाडो कोड से जिगेन को गुस्सा दिलाने से मना करता है। जब बोरो और कोजी कोड के इंटेरोगेशन को डिक्लाइन करते हैं, कोड को उन पर शक होने लगता है। बाद में कोड कोजी पर अपने फ्रस्ट्रेशंस को जाहिर करता है। कावाकी आर्क, कोड डेल्टा को अपने सामने से गुजरते हुए देखता है जो जिगेन से परमिशन लेने के बाद मिशन के प्रोग्रेस को देखने जा रही थी और वो कमेंट करता है कि वो सिंपल माइंडेड है। जिगेन के अचानक गायब होने के बाद कोड इसके बारे में अमाडो से पूछता है। अमाडो उसे बताता है कि वो मेंटेनेंस में है। कोड देखता है कि अमाडो अब भी ट्रेटर को ढूंढ रहा है और फिर थियोराइज करता है जिगेन के मूवमेंट से कि शायद जिगेन को ट्रेटर के बारे में पता है। अमाडो कोड से बोरो को मेंटेनेंस के लिए लाने कहता है। कोड कहता है कि वो जिगेन के परमिशन के बिना बेस से बाहर नहीं जा सकता है। अमाडो उसे अश्योर करता है कि वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और इससे जिगेन की हेल्प होगी, जिसके बाद कोड वहां से चला जाता है। कोड बोरो को ढूंढ लेता है जो अपने कल्ट के साथ होता है। कोड अमाडो के मेंटेनेंस रिक्वेस्ट को डिलीवर करता है जो बोरो मना कर देता है, जिसके बाद कोड उसे धमकी देता है और वो फिर मान जाता है। नारुतो से हारने के बाद डेल्टा जिगेन को सब कुछ बताती है और कोड भी
मौजूद होता है। कोड कहता है कि डेल्टा नारुतो से लड़ने के लिए बहुत वीक थी, वो मिशन उसे मिलना नहीं चाहिए था। ये जानने के बाद वो सरप्राइज्ड होता है कि मोमोशिकी ने अपना कर्मा मार्क किया था। उसे लगता है कि सास्के उचिहा पर, लेकिन डेल्टा बताती है कि मोमोशिकी ने बोरुतो उजुमाकी पर अपना कर्मा मार्क किया है। बाद में कोड को पता चलता है कि सास्के उचिहा और नारुतो उजुमाकी ने जिगेन को फुल पावर्स के साथ लड़ने में मजबूर कर दिया, जिससे उसकी बॉडी वीक हो चुकी है। जिगेन अमाडो के केयर में रिकवरी करता है। जिगेन बताता है कि उसकी लड़ाई फायदेमंद रही कारा के लिए, क्योंकि उनके दो सबसे बड़े थ्रेट्स इनकैपेसिएट हो चुके हैं और कवाकी का कर्मा जल्दी मैच्योर हो रहा है। जिगेन कोड को टेंटेल्स के गार्डिंग की ड्यूटी देता है। जिगेन रिकवर हो रहा था और कोड टेंटेल्स की गार्डिंग करते हुए कुछ वक्त बाद जिगेन के पास टेलीपोर्ट करता है, जो उसे बताता है कि वो बोरो से कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहा और कोनोहा को लोकेशन के बारे में पता चल चुका है। डेल्टा आकर बोरो की डेथ की रिपोर्ट देती है। कोड अपना असिस्टेंस ऑफर करता है, पर जिगेन उसे टेंटेल्स की गार्डिंग को जारी रखने कहता है। नारुतो, सास्के, बोरुतो और कावाकी के हाथों मरने के बाद इशिकी का सोल कोड के सामने आता है, कोड के व्हाइट कर्मा से उसे एक फाइनल मैसेज देने के लिए। इशिकी कोड से कहता है कि वो अपने कर्मा की मदद से ओसुसुकी बने बोरुतो या कावाकी को सैक्रिफाइस करके चाक्रा फ्रूट को खाकर ओसुसुकी विल को इनहेरिट करे और इवॉल्व करते हुए गॉडहुड अचीव करे। कोड मान जाता है और इशिकी को उसके हत्यारों का नाम बताने कहता है, ताकि वो उसे अवेंज कर सके। कोड आर्क। अपने लिमिटर्स की वजह से कोड नारुतो और सास्के से नहीं लड़ना चाहता था। कोड बोरो के हिडन फैसिलिटी जाता है और उसके कल्ट के लोगों को मारने लगता है। वो बक को उसे ईडा तक ले जाने के लिए कहता है, एक आउटर जिसे बोरो ने डिस्पोज नहीं किया था। बक के वार्निंग्स के बाद भी कोड उसके पॉड को स्मैश करके ओपन कर देता है। कोड ईडा को मारने की कोशिश करता है पर मार नहीं पाता। बक उसे ईडा के एबिलिटी के बारे में बताता है कि लोग उसके सामने मुग्ध हो जाते हैं। ईडा कोड को बताती है कि उसे इशिकी के डेथ के और कोड के गोल्स के बारे में पता है। ईडा कोड के लिमिटर्स को हटाने के रिक्वायरमेंट्स बताती है, जिसमें अमाडो की जरूरत होगी। ईडा बोरुतो और कवाकी में से एक को अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है, इसीलिए वो कोड की हेल्प करने के लिए मान जाती है। उनमें से एक को सैक्रिफाइस करके चाक्रा फ्रूट को कल्टिवेट करने में और कोड को इंटेल देकर एनिमीज से आगे रखने में। ईडा अपने सेनरीगन से कोड को एनिमीज के करंट इवेंट्स के बारे में अपडेट देने लगती है। कोड सरप्राइज्ड हो जाता है जब उसे पता चलता है कि ईडा सिर्फ बेसिक ताइजुत्सु ही यूज कर सकती है। कोड कहता है कि कावाकी और बोरुतो पर इंटरेस्ट होने के बाद भी ये अब भी पॉसिबल है कि वो लोग उसे मारने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि उसके पावर्स उन पर इफेक्ट नहीं करते। ईडा अपने छोटे भाई डायमोन को जगाती है, जो अपनी बहन के लिए काफी प्रोटेक्टिव होता है। कुछ गार्ड्स उस पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं और कोड डायमोन की एबिलिटीज को देखकर अमेज रह जाता है, जो किसी भी इनकमिंग अटैक को एनिमी पर वापस रिफ्लेक्ट कर सकता है। डायमोन कोड को एनॉय करने लगता है, जो उसे राइड बनने के लिए फोर्स करता है। डायमोन बग को भागते हुए देखता है। कोड डायमोन पर अपने क्लॉज मार्क करता है, जो उस पर वापस रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। कोड बताता है कि वो डायमोन की पावर्स को समझना चाहता है और अपने क्लॉ मार्क्स के वर्किंग को एक्सप्लेन करता है कि वो इसकी मदद से कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है। डायमोन को कोड के पावर्स कूल लगते हैं। कोड डायमोन से उसके पावर के बारे में पूछता है। डायमोन उसे बताने ही वाला होता है, पर उसे ईडा रोक लेती है, ये कहते हुए कि उसे अब भी कोड पर भरोसा नहीं है। कोड को लगता है कि ईडा के पास और भी एबिलिटीज हैं, जो वो उससे छुपा रही है। थोड़ी देर बाद ईडा कोड को अलर्ट करती है कि कवाकी विलेज के आउटस्कर्ट्स में अकेला है। कोड इस मौके का फायदा उठाने के लिए तुरंत उसके पास टेलीपोर्ट करता है। कवाकी कोड को ऑफर करता है कि वो उसे मार ले, लेकिन कोनोहा को छोड़ दे। कोड को उसका ऑफर पसंद नहीं आता और उसे कहता है कि वो सभी को मारेगा जो इशिकी के मौत के जिम्मेदार हैं। कोड कवाकी को अपने इंटेंशंस बताता है और कवाकी से कहता है कि वो उसे नहीं मारेगा, क्योंकि कोई और उससे मिलना चाहता है। कोड कवाकी को अपने साथ ले जाने लगता है, पर बोरुतो आकर उसे रोक लेता है। कोड बोरुतो और कवाकी को आर्ग्यू करते हुए देखता है। कोड को कवाकी पर हंसी आती है जब वो होकागे को
बचाने की बात करता है। कावाकी कोड को उसे अपने साथ ले जाने कहता है। कावाकी खुद से जाना चाहता था पर बोरुतो ऐसा होने से रोकने की कोशिश करता है। कोड बोरुतो से खुद को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि वो उसे सैक्रिफाइस की तरह यूज करना चाहता है चाक्रा फ्रूट के लिए। बोरुतो कोड पर अटैक करने लगता है। कोड आसानी से उसके अटैक्स को ब्लॉक करता है अपने क्लॉ मार्क्स की मदद से और अपने कार्मा को एक्टिवेट करते हुए उसे बताता है कि कार्मा की वजह से उनके पावर्स बढ़ने का मेन रीजन क्या है। इसका एक्यूमुलेटेड बैटल एक्सपीरियंस उस ओसुसुकी का जिसका ये होता है। कोड मोमोशिकी के पावर्स को देखना चाहता था और बोरुतो पर अटैक करने लगता है और फाइनली बोरुतो मोमोशिकी के कार्मा को एक्टिवेट करता है। तो दोस्तों ये थी लाइफ कोड की। वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी और भी वीडियोस है चैनल पर, आप उन वीडियोस को भी जाकर देख सकते हो।